हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है टेक्नोमान में। गाइस, जिसको हम बात करने वाले गाइस यहाँ पे Redmi Note 7 Pro और Realme 3 Pro के बारे में। हाँ गाइस, ये जो दोनों कंपनी है Realme और Redmi, मतलब लोग जो है वो मानते हैं कि Realme जो कंपनी है वो बहुत अच्छी है, वरना लोग मानते हैं कि Xiaomi मोस्ट ट्रस्टेबल कंपनी है, Xiaomi इज नंबर वन ब्रांड कंपनी है। तो अब यार इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या दोनों कंपनी में फ़र्क है, क्या मतलब कंपनी का फ्यूचर है आगे, और कौन सा फोन अच्छा होगा Realme 3 Pro या Redmi Note 7 Pro। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा, पूरा कंफ्यूजन जो आपका भाई इस वीडियो में दूर कर देगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक करिएगा चैनल को, और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो यार, दोनों जो कंपनीज हैं ये बहुत ही स्टेबल अभी आप देखेंगे तो हो चुकी हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो है Xiaomi। हाँ गाइस, जब से Redmi Note 7 आया तो वो Note 4 आया, जब से यहाँ पे Xiaomi ने, तो वो मार्केट को लेके चले गया। मतलब Xiaomi पे जो मतलब ट्रस्ट बन गया लोगों का, वो अभी तक कहीं गया नहीं है। तो अभी भी लोग बहुत ज़्यादा ही ट्रस्ट करने लग गए, सैमसंग से ज़्यादा आजकल लोगों को Xiaomi को ट्रस्ट आ गया है। और यहाँ पे बात करते हो Realme के बारे में, वो एक इमर्जिंग प्लेयर है, मतलब इमर्जिंग ब्रांड है जो अभी बहुत अच्छे काम कर रहा है मार्केट के अंदर, और मार्केट को चेंज भी करने में हमारी बहुत मदद कर रहा है। देखेंगे आप, पुराने 10,000 रुपए के फोन और अभी के 10,000 रुपए के फोन, तो ये कुछ हमें 15,000 रुपए मिलता था SRT फोन पिछले साल 2017 में, फिर 18 में हमारे Realme आ गया, तो वहां पे हमें Realme 2 Pro में Snapdragon 660, यहां पे हमें Snapdragon कुछ इतना ही मिला था, और वहां पे हमें इतना अच्छे कुछ इतने सारी चीजें यहां पे जो Realme आए हैं और उन्होंने बदल दिया है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी Realme की, जब से वो आया वो एक अलग ही बात बन गई है। और Redmi की बात करते हो, Redmi Note से जैसे मैंने आपको बताया, Note 4 के बाद यहाँ पे Redmi तो बन गया, मतलब Xiaomi की एक स्टेबिलिटी यहाँ पे बन गई, और लोगों का ट्रस्ट भी Xiaomi पर बहुत ज्यादा बन गया। तो यहाँ पे ये एक बात आपको जरूर देखनी पड़ेगी, बहुत बड़ा पॉइंट है। अब बात करते हो Realme 3 Pro और Redmi Note 7 Pro की, देखो Redmi Note 7 Pro यहाँ पे बाप लॉन्च कर दिया Xiaomi ने, अब यहाँ पे भाई Realme भी अपना एक बाप लेके आ रहा है, वो Realme 3 Pro, तो दोनों बाप आएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो Realme 3 Pro मुझे लगता है जितना मतलब ठीक ठाक फोन होने वाला है, बट जो Redmi Note 7 Pro वो वन ऑफ द बेस्ट फोन है। Realme 3 Pro के लिए इतने लोग वेट कर रहे हैं, वीडियो पर वीडियो बन रहे हैं उसके ऊपर। तो आई थिंक गाइस, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, Realme और Redmi में बहुत फर्क है, और मेरे हिसाब से जो Xiaomi है वो उन्हें कुछ कुछ चीज़ें जो अपनी सुधारने की जरूरत है वहाँ पे Realme को नहीं है, क्योंकि Realme बहुत ही अच्छा काम अभी अपने मार्केट में कर रहा है। हाँ बिल्कुल, जैसे आप देखेंगे दोनों कंपनी में कुछ ना कुछ गलतियाँ भी हैं, जैसे कि आप देखेंगे Redmi का जो है वो यहाँ पे आप लोगों को Xiaomi में, यार देखो एक तो फ्लैश सेल फोन हमें मिलते नहीं, फोन आप लॉन्च तो कर देते हो मगर हमें मिलते नहीं है, हमें ब्लैक में खरीदना पड़ता है। दूसरी बात, वहाँ पे आपने आप मोबाइल में ऐड ही ऐड चलाते रहते हैं, तो उसमें वो हमेशा पैसा कमाते रहते हैं, ये दूसरी बात। अब यहाँ पे Realme के बारे में बात करते हो, तो Realme का सबसे बड़ा जो दो पॉइंट है वो है, एक तो उनका वो बिल्ड क्वालिटी एकदम बकवास होती है, मगर सुना ही में आ रहा है कि हमें Realme 3 Pro में बेटर मिलने वाला है, एकदम ग्लासी बॉडी मिलेगी, तो लेट्स सी, बता देंगे, वो भी अभी कन्फर्म नहीं है। अब बात करते हो नेक्स्ट जो है वो है टाइप सी, आप टाइप सी इस ज़माने में भी नहीं दे रहे हो, और आप बहाना भी बना रहे हो कि हमें माइक्रो USB अच्छा लगता है, ईजी टू यूज़ कहीं भी हमें मिल जाता है तो हम वोक चार्जिंग दे देंगे, ये कोई बात नहीं हुई, सोल्यूशन नहीं होता ये, टाइप सी नया फ्यूचर है, वो आपको जान लेना चाहिए। अब ये बात मुझे सही नहीं लगी, तो ये दो पॉइंट है दोनों कंपनी की जो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगते। अब देखिए ये जो दोनों पॉइंट्स है, क्या Realme अपना ये पॉइंट सुधारता है टाइप सी और बिल्ड क्वालिटी वाला, क्या Xiaomi अपने एड्स और ये जो फ्लैश सेल का प्रॉब्लम होता है वो सही सुधारता है, तो लेट्स सी, वो तो आपको बता ही देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट की मैंने बात कर, देखो यार मैं इस वीडियो में कोई मतलब मोबाइल के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपनीज को कंपेयर कर रहा हूँ जो आप लोगों के लिए बेटर होंगी, तो इस वीडियो को आप लोग जानोगे तो पूरा पता चल ही जाएगा। अब बात करता हूँ नेक्स्ट जो है वो रिपेयरिंग कॉस्ट, जो मैंने अपने खुद एक्सपीरियंस किया है, Realme का मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया मगर मैंने Redmi Xiaomi का तो ज़रूर किया। Redmi MI Max 2 मैंने खरीदा था गाइस, वहाँ पे मैंने फोन को रिपेयर करा था, मेरा फोन जो है तो डैमेज हो गया था थोड़ा सा पीछे से, तो मैंने बोला इसको चेंज करवाते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो वहाँ पे मैं गया, ये फोन था राउंडली मेरे को पड़ा था 14,000 रुपये करीब, मैंने 4 GB रैम और 32 GB वाला वेरिएंट लिया था, तो ये जो फोन था फिर मुझे पड़ा राउंडली इसका बोल रहे थे 8,000 रुपये, मतलब इसका बस स्क्रीन चेंज करने का, मतलब पूरा बोलते ना क्या बोलते उसको कॉम्बो वो पूरा चेंज करने का 8,000 रुपये, इतना पीछे से डेंट आया था बस, और वो भी उनका खुद ही डेंट आया था, मतलब कंपनी से खुद ही डेंट हुआ आया था। तो मैंने बोला मैं क्यों पैसा दूँ यार, तो ये एक बहुत फालतू बात लगी, 14,000 रुपये के फ़ोन का आप 8,000 रुपये रिपेयरिंग कॉस्ट ले रहे हो, तो आई थिंक ये बहुत ही फालतू लगी। अब बात यही है यहाँ पे Realme के बारे में, तो यार Realme के बारे में मुझे नहीं पता क्या हुआ कॉस्ट, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी Realme का फ़ोन बाय नहीं किया, तो आप मुझे कमेंट कर बताना क्या आप लोगों को रिपेयरिंग कॉस्ट लगती है और उनकी सर्विस कैसी है। तो Xiaomi की तो आफ्टर सेल सर्विस बकवास अभी भी है और पहले भी है, पहले अभी बोलते तो हैं हमारी बहुत अच्छी है, मगर ढंग तो है नहीं उनके भाई वहाँ पे बात करने जो बैठते हैं वहाँ पे, तो उन्हें वो ढंग तो है ही नहीं बात करने का, तो ये यहाँ पे बात मुझे Xiaomi की एक और बहुत बुरी लगती है। तो ये है कुछ, और गाइस नेक्स्ट बात करता हूँ वो है यहाँ पर Realme के जो है बहुत फैल रही है, आप देखेंगे तो Realme कंपनी जो बहुत फैल रही है, जैसे कि आप देखेंगे आपको हर स्टोर में मिलेगी, वो ऑफलाइन में भी उतर आए हैं, ऑनलाइन में तो है ही, तो हर जगह आपको
रियलमी के प्रोडक्ट मिल जा रहे हैं, तो ये बात मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, क्योंकि शाओमी जो है वो हमें मिलता है बट ब्लैक में मिलता है, और वहाँ पे फ्लैश सेल में मिलते ही नहीं मोबाइल, तो यहाँ पे शाओमी रियलमी इसी बात का फ़ायदा उठाता है कि हमें अपने इस ऑफलाइन मार्केट में देते हैं और जो इसमें सेल है हम ज़्यादा प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि रियलमी ले जाता है मार्केट। मुझे ये भी लगता है कि रेडमी नोट 7 प्रो मतलब रियलमी आप देखेंगे तो 1.5 साथी में थी ज़्यादा तक, तो यहाँ पर रियलमी 3 जब उन्होंने लॉन्च किया तो शायद वो रियलमी 3 प्रो को भी लॉन्च करने वाले थे, मगर उन्हें पता था कि रेडमी नोट 7 प्रो हमें सेल्स में नहीं मिलने वाला है, वो थोड़ा बाद ही में मिलेगा, तो हम अपने फोन का जो है वो स्टॉक अच्छे से भर लेते हैं, फिर जैसे ही फोन आएगा बहुत स्टॉक भेज देंगे, तो हमारा फोन की भाई तरक्की पर तरक्की हो जाएगी और रेडमी के फोन वही अगली सेल पर वेट करते रहो। तो कुछ ये जो स्ट्रैटेजी होती है, मतलब ये जो पूरी कंपनीज होती है ना, ये बहुत ज्यादा अपने मतलब दिमाग से पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ करती हैं। तो आई थिंक बस गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, मैंने आप लोगों को कुछ अपने रियलमी और वर्सेज शाओमी कुछ बताया इस वीडियो में, फोन के और मैंने अभी कंपैरिजन नहीं किया, जब फोन आएगा जब हम आपको कंपेयर करके दिखा देंगे। तो बस गाइस बस इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोग बताओ कमेंट करके आप लोगों को क्या लगता है आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है, मैं इन दोनों में इस कंपनी में से मतलब कोई वो करूँ तो वो मुझे रियलमी लगती है, बिकॉज वो कंज्यूमर की सुनते हैं, वो ट्विटर पर सबसे बात करते हैं, सबका रिप्लाई करते हैं, बट ये शाओमी को पता नहीं किसका घमंड चढ़ गया है, तो आई थिंक वो उन्हें सुधार लेना चाहिए, और अपना जो सिस्टम है जो 2-3 मैंने जोड़ो बताए हैं वो उन्हें ज़रूर से सुधार लेना चाहिए, फीडबैक पर लेके वो ले लें तो सही है, और अपने वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना कि ये दोनों जो है ये जाएँ रियलमी तक की वीडियो और शाओमी तक की भी। तो बस गाइस आज का वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना और चैनल को लिए सब्सक्राइब तक आपने नहीं किया है, क्योंकि आपका भाई ऐसे ही डेली कुछ ना कुछ नए नए वीडियो लाते रहता है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।